बस 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 एक जगह पानी रख देना, यूं ना पानी रख के दो। अच्छा जैसे सर्दियों का स्टार्ट है तो एक बिल्ली की वजह से रेस्क्यू कैट की वजह से सब में स्कैबीज फैल रही है, तो ये बड़ी ख़तरनाक होती है स्कैबीज और काफ़ी देर तक ठीक होती है। तो अभी इनको भी ख़ारिश है, हम एहतियाती तौर पे इनकी भी इनको जो है पायोडीन और इनका जो मैग्नीशियम है वो लगा के इसे रखेंगे। अच्छा इसे चाटने नहीं देना, हम बहुत ख्याल रख रहे हैं, इसे चाटने नहीं देंगे। और ये इसमें पायोडीन स्क्रबर है और ये मिक्सचर है इसका, ये मिक्सचर हमने घोला हुआ है, पायोडीन स्क्रबर में हमने मैग्नीशियम खोला हुआ है, ठीक है। अच्छा ये पॉइजन होता है, अगर इन्होंने चाट लिया तो मसला हो जाएगा, ठीक है। ये मर सकती हूँ उससे, मेरी पहले भी एक कैट डॉक्टर से इसी वजह से ख़राब हो गई थी, उसने चाट लिया था, ठीक है। अभी हम इसको चाटने नहीं देंगे इसे, और आप कोशिश करें ई कॉलर लगाएं। मेरे पास ई कॉलर नहीं है क्योंकि जिस सिटी में हम रहते हैं वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है और वहाँ पर कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हम लोग वक्त पे क्या कब किसके लिए क्या चीज़ ज़रूरत है नहीं ले सकते। इसकी स्कैबिस रोकना ज़रूरी है, तो अभी हमें इसी तरह कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब इसे 10 मिनट लगाएंगे। ये वैसे कैट को ख़ारिश थोड़ी सी है लेकिन इतना मसला ज़ख़म नहीं हुआ, दूसरी कैट को है मसला बहुत ज़्यादा, उसका मुंह बहुत ज़्यादा ख़राब है जो रेस्क्यू कैट है, उससे इन्हें लग गई है। तो अब इनको नहला रहे हैं आज, बेहतर यह कि जब आपके पास नए रेस्क्यू किटन आए तो पहले उसे नहलाएं और फिर दूसरी कैट्स को भी नहलाएं। बस 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 अब इसे इससे बात देंगे। तनोली परेशान हो रही है कि मच्छरों के साथ क्या हो रहा है, और शायद ये भी सोचे कि इसके साथ ये दोबारा ना हो। तनोली कुछ नहीं होता, आपके साथ होगा ज़रूर लेकिन अभी नहीं करेंगे, ठीक है। पहले इसको नहलाने, काटना नहीं, हाथ खराब है मेरे, ये टांगे में मलना है। अभी ये बहुत तंग कर रही है, इसने पानी भी गिरा दिया। बस 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 चपाई देनी पड़ेगी, चपाई से लगा दिया, एक मैं तो ये इसने थोड़ा सा चाट लिया था तो इसे मलाई खिला रहे। चाटे नहीं, बस हमें शक है कि मेरे हाथ को इसने काटने की कोशिश की, काटने की कोशिश किया है, तो सल्फर ये मसला भी यूज कर सकता है। इसे बचाना भी ज़रूरी है, स्कैबीज बहुत जानलेवा होती है और कई अरसे तक रहती है और इन्हें इरीटेट करती रहती है, तो उसकी जैसे मलाई खिला रहे हैं इसे थोड़ी सी। अच्छा अब सल्फ़र इसको लग गया, मैग्नीशियम सल्फेट और इसको पायोडीन लग गया है, लेकिन अभी हमें इसे क्या करना है, अभी इसका वेट करना है 10-15 मिनट, तो ताकि ये थोड़ा सा इसके जो वो होते हैं माइट्स होती हैं वो थोड़ी सी मरें, और फिर उसके बाद इसको नहला देंगे। ये साथ में तनोली का भी मायोश स्टार्ट है। बेसिकली हम थ्री सिस्टर्स हैं जो रेस्क्यू करती हैं और हम तीनों ही वर्क करती हैं, हमारे पास कोई वर्कर नहीं है, तो हम लोग खुद ही ये सब कुछ, इनका ट्रीटमेंट सब कुछ, इंजेक्शन ड्रिप सब कुछ खुद करना पड़ता है, ना डॉक्टर है ना कोई वर्कर है, तो अच्छा, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड इलाका है, इस वजह से मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा। इधर मच्छो हाँ सही से नलाया, हम तो हाथ काट गए इसने, चलो पंपो नहीं मच्छो कोई मच्छो जी जल्दी करो, मच्छो जी थोड़ा सा मुंह धोने, दर्द हो रहा है जल्दी करो, पेट धोने, दुम 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 नहीं दुम नहीं दुम धोई थी मैंने, सबसे पहले धोई थी बस, ठीक है। मच्छो मच्छो आप आजाद हो, मच्छो जा रही है, चली गई, चली गई, जाओ जाओ मच्छो। ये दांत क्यों ऐसा कर रही है, साफ करती है अगर आप मौका देती है। अभी तनोली को लगी हुई है पायोडीन, धूप में जाके बैठो। तनोली को नहला के भिजवा दिया क्योंकि आपको पता है मतलब वर्क करनी है, सॉरी मच्छों को, मच्छों का ये तनोली है। अब इसकी भी हो रही है, बड़ा उसने काटा, बड़ा तंग किया। तनोली को भी लग गया, अब इसको जो है हम वेट कर रहे हैं,
कि कब जो है ये इसका 10-15 मिनट पूरे होंगे तो फिर इस माइट्स मर जाएंगे इतनी देर में, तो फिर इसके बाद फिर इसे भी नहलाना है। मच्छों को जनाब को सुखाया जा रहा है। और इसका वेट हो रहा है। बस 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 अब तो नोली की बारी आ गई। नहीं 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 मेरी शोनिया बस बस मच्छो धूप में चली गई। नहीं मैं काटना नहीं। अच्छा अच्छा जल्दी जल्दी नोली का ड्राई होने का स्टेप। हमारा जो लास्ट स्टेप है इसे धूप में छोड़ना है और मलाई वाला दूध देना। मलाई मैं इसे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ चाटा हो तो टॉक्सिसिटी हो, तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि मलाई खा ले। मच्छों को तो खिला दी थी तनोरी। ओहो चलें इसके कपड़ों पे लग गई। तो अभी कल और परसों मेरा बिजी डे और होगा क्योंकि किचन बीमार है, मानो को ब्लड लगा है और मानो को भी नहलाना है, दूसरी किचन्स को भी नहलाना है जिनको सवेर है। अगले वीडियो में मानो का होगा जिसमें मानो को इसको सिंपल हम पाइडिन लगाएंगे, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं लगा रहे।